लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया था, अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो जाकर देखो। और इस वीडियो में हम इसका जो बाकी का पार्ट है वो पूरा शेड करेंगे और इससे हमारी ये जो ड्राइंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो हर एक चीज़ बड़े डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत करना और मिस तो बिल्कुल मत करना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ HB की पेंसिल को, जिसे हम काफ़ी सॉफ्ट हाथों से यूज़ करेंगे। और अब इस शेडिंग को सॉफ्ट मेकअप ब्रश से ब्लेंड करेंगे और फिर से हम शेडिंग करना शुरू कर देंगे। शैडो वाले पोर्शन को और अच्छे से शेड करने के लिए मैं 3B पेंसिल यूज़ करता हूँ। सॉफ्ट मेकअप ब्रश से हम इस शेडिंग को ब्लेंड कर देंगे। जो दाग अलग से नजर आते हैं उसे नीडबल इरेजर से हल्का हल्का इरेज करेंगे और फिर से ब्लेंड कर देंगे। अब फिर से इसे हल्के हाथों से राउंड राउंड करके ब्लेंड करेंगे।
यहाँ पर एक और दाग लगा हुआ है, उसे भी नेडवल इरेजर से इरेज करूँगा बिल्कुल टैप टैप करके। अब फिर से इसे ब्लेंड कर दूँगा। गले में जो धागा है उसे मैं 8B की ब्लैक पेंसिल से ड्रॉ करूंगा। अब 2B पेंसिल से हम बाकी की शेडिंग करेंगे। अब इस पोर्शन को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। शेडिंग को और स्मूथ करने के लिए यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करूँगा। इस पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ज़्यादा शेडिंग करने पर ये डैमेज होता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा शेडिंग की लेयर सप्लाई नहीं करेंगे।
अब इस पोर्शन को भी हम अच्छे से टिश्यू पेपर से हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे, इससे और ज़्यादा स्मूथ शेडिंग नज़र आएगी। हमारी ड्राइंग बनके तैयार हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी ड्रॉ हुई है। इसकी जो पेज की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ज़्यादा शेडिंग करने पर ये डैमेज होता था, पर फिर भी हमने काफ़ी अच्छी ड्राइंग ड्रॉ कर ली है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके बता देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो मैंने नीचे नंबर दे रखा है, आप मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हो। मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।